जो बोलना होता है किसान की तरफ से हम बोल देते हैं। हमें मोदी जी से कहना चाहेंगे कि ये कानून वापिस ले। जब तक मोदी अपने कानून वापिस नहीं लेते, जब तक ये चलते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं आज एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पे हूं। गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग ये भी शतक की तरफ अग्रसर है। जैसे पेट्रोल और डीजल यार ये सब चीज़ें महंगाई बढ़ते जा रही है और पेट्रोल शतक लगाने को तैयार है, वैसा ही किसान आंदोलन भी शतक के करीब पहुँच चुका है। लेकिन हमारे पीछे एक तस्वीर है, मैं कैमरा में पर्सन को बोलूँगा कि दिखाएँ इन बच्चों को, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे आसपास के फुटपाथ पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। किसान आंदोलन में डेली रोज का आना इनका होता है। ये भी एक भारत के ही तस्वीरों में रहने वाले लोग हैं, ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स भारत के एक नक्शे में कहीं इनका भी घर है, लेकिन वो घर कैसा है, इनके पास सपनों का महल नहीं है बल्कि सपनों में एक महल है। खैर, इन बच्चों से बात करेंगे आज, क्योंकि ये किसान आंदोलन में रोज आते हैं। और रोज क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं? दोस्त पहले तो अपना नाम बताओ यार। मेरा नाम शिवा है। शिवा नाम है? शिवा तो बड़ी बढ़िया नाम है यार, ना शिवा नाम समझते हो ना? हाँ। क्या है, कौन थे शिवा? अरे शिव भगवान को भी शिवा बोलते ना। खैर, उस बात को हम छोड़ते हैं। किसान आंदोलन में डेली आते हो? हाँ। क्यों आते हो? किसान के साथ थोड़े से यहाँ पे खाना पीना मिल जाता है। हाँ। और जो बोलना होता है किसान की तरफ से हम बोल देते हैं। तो किसान में सिर्फ खाना मिल जाता है और खाने आ जाते हैं? अगर ये लोग चले जाए तो क्या कहोगे? क्या ये किसान अगर यहाँ से चले जाते हैं तो कैसा लगेगा तुमको? बहुत बुरा लगेगा। क्यों यहाँ पे तो पहले बात, किसान जो है वो सबको खाना पीना खिलाते हैं और अपना कानून वापस मांगते हैं मोदी जी से। अब सोचिए इस बच्चे की बात को, क्या कह रहा है कि अगर ये किसान यहाँ से चले जाए तो बुरा लगेगा। वो बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे वो लोग खाना खिला रहे हैं। अब सोचिए एक बच्चे के दिमाग में इस बात का नॉलेज है कि किसान अन्नदाता है और वो पेट पालता है यानी भरता है, खिलाता पिलाता है। लेकिन खैर, सरकार के तरफ फिर रुख करेंगे एक बार। मोदी जी को जानते हो कौन है? अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या कहना चाहोगे इस कानून के बारे में उनसे? हमें मोदी जी से कहना चाहेंगे कि ये कानून वापिस ले। कानून वापिस ले? हाँ। चलो खैर दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है यार? बड़ा लाल शर्ट एकदम झक्कास लग रहा है। अरे उनसे भी बात करेंगे तुम यार, दोस्त ऐसे शर्मा रहे हो जैसे हम लड़की वाले हैं और देखने आ गए। और बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मुनीश। मुनीश नाम भी बढ़िया है एकदम। अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी फोटो देखे हो? हाँ। कैसे लगते हैं? बुड्ढे लगते हैं। ये आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है पता है? पता है, जब तक ये सरकार पीछे नहीं हटेगी जब तक ये तो लड़ते रहेंगे। लेकिन सरकार बोले हम पीछे नहीं हटेंगे ना, ठंडा की ठंडे काटी है, गर्मी भी सहेंगे। अच्छा। पर पीछे नहीं हटेंगे ये। तुम भी किसान हो? हाँ, हम भी किसान हैं। ऐसे तुमको कोई बोलेगा नहीं किसान हो तो? हम यूपी के किसान हैं ना। यूपी के किसान है। इसका भी कहना है कि हमने ठंडियों की ठंडी काटे और गर्मी भी आ रही है, लेकिन सब काटने को तैयार हैं। और उस वक्त तक काटेंगे गर्मी और ठंडी जब तक सरकार पीछे नहीं हटती है। और भी कई दोस्त हैं हमारे जो पीछे कैमरा पे जा रहे हैं देखने के लिए कि चल क्या रहा है। लेकिन आओ दोस्त यार, कैमरे में आओ, आ जाओ, भागो मत, फिर थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, क्योंकि क्या नाम है दोस्त? श्याम बाबू। श्याम बाबू, श्याम नाम जानते हो? किसको कहते हैं श्याम? किसको बोलते थे श्याम? कृष्ण का नाम सुने हो? हाँ। उनको भी क्या बोलते थे प्यार से? श्याम। तो नाम बढ़िया है तुम्हारा। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते? करते हैं। कौन सी क्लास में? फिफ्थ। अब तो क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। यहाँ डेली आते हो? नो, कभी कब आते था, स्कूल की छुट्टी होती है। अच्छा, क्यों आते हो यहाँ पे? क्या लगता है तुमको यहाँ पे? यहाँ पे खाना पीने खाते हैं, मस्ती लेते हैं, खेलते कूदने से ले आते हैं। सिर्फ खाने पीने आते हो या कुछ और भी है? खेलने भी आते हैं यहाँ पे, मस्ती लेने। ये लोग क्यों बैठे हैं पता है? हाँ। क्यों? ये नहीं पता किस लिए बैठे हैं। एक कृषि कानून को लेके बैठे हैं शायद ना? हाँ। तो किसानों का आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। क्यों, कुछ बताओ? क्योंकि यहाँ पे खाना पीना बड़े से बूढ़ों को मिलता है, जान बच्चों को मिलता है, सबको मिलता है, बच्चों को, इसलिए यहाँ पे पेट भर सकते हैं। हाँ। और ये चले गए तो? ये लोग चले गए
ये लोग चले जाएंगे तो क्या करोगे, मतलब खाना फिर नहीं मिलेगा? ना मिलेगा, अपने घर पे या खाएंगे। थोड़ा सा इस चेहरे को ध्यान से देखिए, क्योंकि वो इस इन्हीं बच्चों में से, इसका भी कहना है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पेट भर रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों का पेट भरते हैं, यानी वाकई में साबित हो रहा है ना किस बात का, आप भी समझ रहे होंगे। ये बच्चा जबकि बोल रहा है कि ये लोग पेट भर रहे हैं यानी हमारा पालन कर रहे हैं, और इनको जाने से इनको दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। जब इनको दुख होता है, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए लोगों को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं। फिर मैं एक बार थोड़ा सा बोलूँगा कि पीछे दिखाए वो भीड़ को जहाँ पे ये किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि वही लोग हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आओ दोस्त इधर आओ, और भी बहुत लड़के हैं जो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं बात करने से। अरे अरे आओ यार, इधर आओ, अरे इधर आओ ना। हाँ इसका हो गया इधर। तो ये कब तक चलेगा? जब तक मोदी अपने कानून वापस नहीं लेते जब तक ये चलते रहेगा। वो तो बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, क्या करोगे? नहीं लेंगे, जब तक चलते ही रहेगा ये। तो कब तक चलेगा यार ऐसे? जब तक कानून नहीं लेगा जब तक चलते रहेगा। यहीं बैठे रहोगे? काम धंधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा यार तुम इधर बोलो, इधर आओ। बस लास्ट। अरे इधर सुनो, पहले कुछ पहले सुनो। नाम क्या है तुम्हारा? दानिश। अरे दानिश नाम है यार, इतना बढ़िया नाम है, और एकदम लग रहे कंटा, मतलब क्या बोले हम, दी कंटाप मेरा चैनल का भी नाम है, लेकिन कंटाप नहीं बोलूँगा तुमको, लेकिन स्मार्ट लग रहे हो यार। का नाम दानिश बताए ना। हाँ। क्या करते हो? बस घर में पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करते हो? यहाँ क्या करने आते हैं? खाने आते हैं, मस्ती लेने। मम्मी पापा क्या करते हैं? बिलदारी करते हैं, ये काम करते हैं। अच्छा बिलदारी करते काम करते हैं, तो खाने पीने के लिए सिर्फ आते हो यहाँ पे। अगर ये किसान चले जाएंगे तो क्या कहोगे इस पे? बुरा लगेगा ना कि ये चली जाएंगे? क्यों बुरा लगेगा यार, तो ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहे करते रहे? नहीं, सरकार को ये आंदोलन हटाना पड़ेगा। तो सरकार से क्या कहोगे इस आंदोलन के बारे में? बोलेंगे आंदोलन वापस ले लो, कि कानून वापस ले लो। हाँ कानून। तो मतलब मोदी जी को जानते हो ना, कौन है वो? प्रधानमंत्री। अरे यार प्रधानमंत्री है यार, प्रधानमंत्री है ना, तो उनसे क्या कहना चाहते हो एक बच्चा होने के नाते? इनको फिर एक बार एक बात उठ के आई कि इनके जाने से बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? मैं बार बार बता चुका हूँ कि वो लोग पेट भरते हैं, खाने को मिला इनको। थोड़ा एक बार और दूसरे तरफ रुक करूँगा, थोड़ा सा परेशान करूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि ले चले वहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे बोतल इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग कूड़े भी जमा करते हैं और यहाँ पे बोतल इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कर रहे हो दोस्त तुम लोग? कबाड़ा बीन रहे। तो कबाड़ा बीन रहे हो? पहले कबाड़ा ऐसे बीन, कब तक कबाड़ा यहाँ से उठाओगे? बहुत दिन तक, जितना दिन यहाँ रहेगा उतना दिन उठाएंगे। तो ये क्या लग रहा है तुमको, ये आंदोलन चल रहा है कुछ समझ में आती है? क्यों चलता है? हाँ क्यों? क्यों कानून वापस लेने के लिए। कानून वापस लेने के लिए? अरे तो अगर सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे तो ये यही रहेगा। ये यही रहेगा? इसका भी कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है ये यही रहेगा। तो यहाँ पे तुमको क्या फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। क्या बताओ? जैसे खाना पीना सब मिलता है। खाना पीना मिलता है? बहन तुम आओ। तो क्या नाम है बेटा तुम? अच्छा तुम बोलोगी? अरे यार, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा दिखाए। ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पे जितने भी बॉटल या गिलास खाली होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। इस छोटे से मासूम बच्चे का भी यही कहना था कि इनके जाने से हमें बुरा लगेगा, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि इनका यहाँ पे पेट भर रहा है। अब ज़रा सोचिए आप एक बार कि जब बच्चों का कहना है कि जिनको कुछ पता नहीं होता है, हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन वो भविष्य आज सड़कों पर ही नज़र आएंगे। जब ये लोग सोच रहे हैं, इनका कहना है कि किसान हमारे पालनहार हैं, पेट पालते हैं, फिर सरकार को इस बात क्यों नहीं समझ में आती है? इनका ये भी कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जबकि इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ये किसान है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी इनका भविष्य तय नहीं हो पाया है, अभी काफ़ी डिसीजन लेने होंगे इनको कि आगे क्या करना है भविष्य में। तो खैर देखते रहिए दी कंटाप चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ऐसे खबरें आप तक लाते रहेंगे।